बस हो गया वैसे चाय खाना बंद हो गया दो चाय देने तो ये बंद हो जाएगा Thank you.
मोहतरम टोनी जावेद साहब, आपकी तवज्जो का तलबगार हूँ। मोहतरम हज़रात, ये मुशायरे का बाकायदा आगाज आप करते हैं। ये चाय सदरगान हो गए थे हम लोग, क्योंकि ये चाय से फरागत हासिल हो गई है और यकीन आपने भी एक नई एनर्जी आई होगी। और मैं चाहता हूँ इस मुशायरे की तकरीब का आगाज अरशद हुसैन साहब के कलाम से किया जाए। अरशद भाई तशरीफ लाइए। सबको पता है कि वो बुला रहे पुलिस आए मसला ये है कि ये हमारा अदब पूरे अमेरिका के ज्वाइन ही चाल आप तो उसी प्लीज अच्छी तरह कलाम सुनाए। ये जैसे अशर भाई वो आपको इसलिए कह रहे कि आप मौजूदगी की पार्टी ज्वाइन की है आपने अभी कपड़े कलर क्यों यार ये इल्जाम ना लगाए प्लीज पहले लग चुका बहुत सारी चीजें कलर के हिसाब से तो मोदी की पार्टी बनती है वही मैं कह रहा हूँ वही कह रहे हैं अच्छा ये गिफ्ट है ये ना कुर्ता किसी ने गिफ्ट किया जानबूझ के उसने दिया था मेरे ख्याल से अब देखे लिख दो राग एजेंट अच्छा रईस भाई बहुत शुक्रिया रईस भाई ने ये शिकायत की कि यार आप एक्सप्रेस वे में पढ़ के गए तो बात ही समझ में नहीं आई कि पढ़ के क्या गए तो मैंने कहा चले ठीक है चाहा तुझे मैंने इतना वो बेवफा चाहा तुझे मैंने इतना वो बेवफा हर गुजरे हुए लम्हे में याद तू आया मैं मेरी जिंदगी और मेरा आशियां जब टूट कर गिरे तो याद तू आया जब टूट कर गिरे तो याद तू आया मेरी रगों में प्यार पेवस्त है इस तरह मेरी रगों में प्यार पेवस्त है इस तरह खून निकला रगों से तो याद तू आया मैं कैसे भूल जाऊंगा तुझको मेरे यार मैं कैसे भूल जाऊंगा तुझको मेरे यार माजी जो किया याद तो आया बागों में घूमना भाभी ने कहा कि ये पिछली कहानी आप खोल रहे हैं बागों में घूमना झूलों पे झूलना पाया जो उन्हें खाली तो याद तू आया और वो तेरी गुफ्तगू अंदाज़े खुश बयां कोई गजल सुनी तो याद तू आया ना कर दे गुनाह पर इस कदर गजब शोलों से मैं झुलसा तो याद तू आया और बिछड़े हुए को मैं कैसे भुलाऊंगा बिछड़े हुए को मैं कैसे भुलाऊंगा हर लम्हा हर घड़ी बस याद तू आया हर लम्हा हर घड़ी बस याद तू आया और वो दिन वो साते तेरी रफाकते अरशद इन्हें जो सोचा तो याद तू आया बहुत शुक्रिया ये थे मतलब अरशद हुसैन साहब हाजिर महफिल आपने देखा कि इनके कलाम में कितनी सादगी बर्दस्तगी और आम फहम कलाम था जो आप तक पहुंचा लेकिन बाद शायर ऐसे होते हैं जो जानबूझ के बहुत सख्त कलामी का इजहार करते हैं मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल या तो दूर सुनते होती हैं या तो उनको ये रोब जानना होता है कि मैं बहुत काबिल हूँ और या फिर ये उनको बताना होता है कि आप समझदार नहीं हैं ऐसे एक शायर गुजरे हैं उनका नाम है अब्दुल अजीज खालिद जानते हो साहब जी 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 अच्छा उनका कमाल ये था कि वो अपनी शायरी में मतलूक अल्फाजों का इस्तेमाल करते थे अभी हाल ही में इंतकाल हुआ है उनका चंद बरस पहले और पाकिस्तान के बहुत ही मकबूल और बड़े असरदार उनका शुमार होता था इबरानी जबान संस्कृत हिंदी फारसी उर्दू अरबी इन सब का एक मजमू होता था उनका कलाम तो उनके ऊपर इंशा जी ने एक जगह कहा था उनके कलाम के लिए कि तू कुजा मन कुजा तू कुजा तू ना समझे अगर सर कुजा सर कुजा उन्होंने पहली एक किताब लिखी उसका नाम था पदुमे मेमिनत लजूम मैं छह दफा पढ़ूंगा तभी फायदा दी पदुमे मेमिनत लजूम
उनका एक मजमूए कलाम था उसका नाम था फाल पलीत ठीक पढ़ो इस तरह से उनके मजमूए कलाम उनके अशआर ना कोई पढ़ सकता था ना समझ सकता था दौरान सफर दो लोग अदबी गुफ्तगू कर रहे थे और बहस जारी थी और मौजूद सुखन थे जनाब अब्दुल अजीज खालिद तो एक साहब ने कहा भाई ऐसा है कि अगर आप मुझे अब्दुल अजीज खालिद के दो अशआर सुना दें तो मैं आपको 100 रुपये इनाम दूंगा उन्होंने सुना दिए दो अशआर तो मौसूफ ने 100 का नोट दिया कहने लगे भाई ये बताइए आपके अशआर याद कैसे हुए कहने लगे खादिम को अब्दुल अजीज खालिद कहते हैं देखिए हमारे यहाँ ये देखिएगा कि देहवाले की रवायत है हमारे जो शोरे ग्राम आते वो सामीन पे ऐसा कोई बोझ नहीं डालते बल्कि उनकी जो लज़्ज़ती गुफ्तार जो है उनका तर्ज़ बयान जो है उनका रंग रूप वो इतना आम फहम होता है कि सुनने वाले उसी रूम में होते हैं इसी रवायत को बरकरार रखते हुए आप सबकी जाने पहचाने एक ऐसे शायर जिनकी शख्सियत के बे इंतहा रूप हैं बहुत अच्छे राइटर भी हैं बहुत अच्छे अदाकारी भी करते हैं हिदायतकारी भी करते हैं बहुत अच्छे उन्होंने गीत भी लिखे हैं पसे पर्दा रहते हैं तनजीमी कार्रवाइयों की वजह से उनके बहुत सारे रंग जो है लोगों के सामने नहीं आए लेकिन शायरी के ऐसा रंग है कि छुपाया नहीं छुपता फातिह हज़रात आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाते हैं ब्रदर महफूज हैदरी भरपूर तालियों के इस्तेमाल के लिए ये जो आप ताली बजाते हैं ना ये खैर मकदमी नहीं यकीन करिए शायरों को जाने के बाद बजाते हैं खुशी अस्सलाम वालेकुम शुक्रिया रईस भाई पहले सुना था कि लोग मर जाते थे झूठ बोलते थे तो अब तो चीख भी नहीं आती कहते कि यहाँ आने की वजह आपके गोश गुजार कुछ कहने की सआदत हासिल करूँगा लेकिन उससे पहले मैं अपने मोहतरम दोस्त तकी भाई की किताब की रूनमाई के सिलसिले में उनको मुबारकबाद और उनसे नस्बत ऐसी रही कि आज यहाँ आके दो चार लफ्ज़ों को जोड़ के आप तक पहुँचाने की जिसारत कर रहा हूँ कहते हैं ना कि मेरी सूरत को ना देख मेरी सीरत पे ना जा मैं तो अच्छा नहीं अच्छों से नस्बत में तो उसी सिलसिले को बढ़ाते हुए इजाज़त पहले कुछ दो शेर सुनाने की जिसारत करूँगा उसके बाद एक छोटी सी नज़म अपने शहर के हवाले से न जाने क्या है शक्ल पे मेरी लिखा हुआ न जाने आपको नजर आ रहा है न जाने क्या है शक्ल पे मेरी लिखा हुआ हर शख्स जा रहा है मुझे देखता हुआ हस्बे हाल लिखे हूँ जिसमें दर्द मोहब्बत के कई बार लिखे हूँ जिसमें दर्द मोहब्बत के कई बार मिलती नहीं दुकान में अब ऐसी कोई किताब अच्छा बहुत शुक्रिया जैसे कि रईस भाई ने कहा कि हम इस तरह के शायर हैं कि मैं जब ट्रेन में बैठा तो वहाँ पहले से मौजूद शख्स को मैंने हाथ बढ़ा के कहा मैं शायर हूँ वो कहने लगा मैं बह रहा हूँ तो हमारी कैटेगरी वो है तो भारत लेकिन जिसारत फिर भी है असाधारण कलाम हमारे यहाँ मौजूद है कभी किसी कोई शेर बन नहीं पाता तो मैं मामू भाई का नाम ले लेता हूँ रफ़ी भाई का नाम ले लेता हूँ यकीन करें वो शेर थोड़ा सा तरतीब में आ जाता है ये इनकी करामात शेर तो आवाम से डरते तो मैं इशारत कर रहा हूँ सिर्फ ख्यालात पे जाइएगा ज़रूर इसमें रदीफ काफ़िये का मसला हो वज़न का मसला हो उसको दरगुजर कीजिएगा जी जी उनका देखें कितना अच्छा उन्होंने आखिर तक उन्होंने हमारे पठान भी उसी उस पर थे उन्होंने भी बहुत अच्छी एक किताब लिखी थी घोड़े पे ए मेरे शहर मेरी जाए पना ए मेरे शहर मेरी जाए पना ए मेरी जीत के बेबाक गवाह तेरी गलियां तेरे कूचे रहें आबाद सदा ये मेरे दिल की है दुआ हाँ मेरे दिल की है दुआ मुझको मालूम है कहते थे तुझे शब की दुल्हन मुझको मालूम है कहते थे तुझे शब की दुल्हन तेरी गलियां तेरी सड़कें थी शब सुबह रोशन फिर तुझे किसी की नजर लग गई
हाय मेरे दिल, रात दिन तेरे हुए तेरा शबी की मंजिल। खौफ आने लगा इंसान को इंसानों से, नफरतें बढ़ने लगी लोगों की ऐवानों से। आपके सामने खौफ आने लगा इंसान को इंसानों से, नफरतें बढ़ने लगी लोगों की ऐवानों से। फिर भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा हमने, फिर भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा हमने। हाँ, हर एक जुल्म के बाजू को तोड़ा है हमने। हाँ, जुल्म के हर एक बाजू को तोड़ा है हमने। तुझसे वादा है सजाएंगे करेंगे रोशन, तुझसे वादा है सजाएंगे करेंगे रोशन। लोग फिर कहने लगेंगे तुझे शहरों की दुल्हन। ए मेरे शहर, मेरे जाए पना, ए मेरी जीत के बेबाक करो। बहुत शुक्रिया। आपको बताना चलो कि शेर समझना बहुत आसान काम है, क्या ख्याल है? पी क्यों बैठे आप? मुझसे बात कर रहे हैं जी? आप सुन रहे हैं? मैं आपको देख रहा हूँ। अच्छा, शुक्रिया। ऐसे ही असल में होता ही है कि ये गैर वाजी चीज़ होती है, मतलब ये फनी बात है। एक साहब ने अपने अखबार के एडिटर को एक गज़ल भेजी, गज़ल ये डाल। अखबार के एडिटर ने वो गज़ल वापस की, कहते भाई इसमें उरूस की बड़ी गलतियाँ हैं, गज़ल से खारिज है, बहर से खारिज है, वापस कर दी। साहब भी जिद्दी थे, उन्होंने अगले महीने फिर एक गज़ल भेजी। तो फिर ख़त आया कि आपकी गज़ल गैर मियारी है, छपने के काबिल नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा गलती है। जब चार पाँच दफ़ा सिलसिला हो गया, जब आखिरी ख़त आया एडिटर साहब का, तो झुंझला के वो साहब एडिटर के कमरे में चले गए। फिर हुजूर ये गज़लें मैंने भेजी है, ये दोनों गालिब की गज़लें आपने कैसे कह दिया? ये उनसे बेहतर है से बयान है, आप उन्हें ताले में ला पाई। तो बात ये होती है कि कभी ज़िंदगी में आसान बात ये है कि अपने इल्म पर, अपनी सलाहियतों पर, अपने फैम फरासत पर आदमी को भरोसा करना चाहिए और सीखने का अमल जारी रखना चाहिए। मरूब नहीं होना चाहिए जिसने एक बात कह दी और फिर आ गया, उसमें हमेशा गुंजाइश रहती है। बच्चे हजरात, पुशारी की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास फ्लोरिडा से तशरीफ लाए हुए मेहमान शायर हैं, जनाब असगर कमाल साहब। उनसे मुंजमी से होकर अपने कलाम से नवाजें जनाब असगर कमाल साहब। अच्छा, कमाल साहब तो लिया ही है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैंने अभी हमारे तकी भाई के लिए एक शेर लिखा है, अगर आप लोग बहुत आसानी समझ में आएगा, आपको बहुत ही आसान नहीं आएगा तो दाद दे देंगे। ठीक। बेमिसलो बेमिसाल है अपने तकी कमाल, बेमिसलो बेमिसाल है अपने तकी कमाल, एक साहिब कमाल है आपके लिए लिखा है। अच्छा, आपके लिए मुझे शेर याद आया कि पहले जमाने में जो लोग कहते थे ना, नहीं आप बिल्कुल सिंह में आ रहे हैं आपने। अच्छा अच्छा ये लग रहा है कि पहले जमाने में लोग कहते थे कि आजकल का शायर ये कहता है कि पेट भर के मिले रोटी तो गजल होती है, पेट भर के मिले रोटी तो गजल होती है, पेट खाली हो तो बस रद्दो बदल होती है। अब मसला ये कि आपने रोटी भी खा ली है, चावल भी खा लिया, चाय भी पी लिया। अब तो इमान वाले और शोला के नाम पसीरा करें असगर कमाल साहब गालिबन तशरीफ़ फरमा नहीं है यहाँ पे, तो उनकी कैराजी बार हम महसूस कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास एक बहुत ही बाकमाल शायर यहाँ मौजूद हैं। अब तीन हजरा जब माइक पर तशरीफ लाएंगे तो आप यकीनन देखेंगे कि मैंने क्या कहा उनके लिए। बहुत अच्छे शायर और बहुत अच्छे इंसान यहाँ मौजूद है जनाब सलाहुद्दीन गाजी साहब की गुजारिश करूँगा, भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए।